मेरे प्यारे बच्चों, एक बार विडाल नगर में कुछ बंदर रहते थे। वह कभी आपस में झगड़ा करते थे, पर फिर भी मिलजुल कर रहते थे। वह दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। उनके बच्चे भी मौज मस्ती करते रहते थे। उसी जगह पर कुछ बिल्लियां भी रहती थी, वह भी मिलजुल कर रहती थी। एक बार दो बिल्लियों को, जिनके नाम थे गिनी और पाए, उनको एक रोटी मिली तो बिल्लियों का मन ललचाने लगा, मुंह में भी पानी भर आया था। बच्चों, जब आपको भी कोई खाना अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है, तो आपके मुंह में भी तो पानी भर आता है ना। ऐसे ही बिल्लियों के मुंह में भी पानी भर गया। रोटी तो एक ही थी तो कौन खाएगा। गिन्नी कहती है, रोटी मैं खाऊंगी। पाई कहती थी, रोटी मैं खाऊंगी। अब तो उनमें आपस में भी झगड़ा होने लगा। एक बंदर बैठा ये सब देख रहा था। रोटी देखकर तो उसका भी मन ललचाया। उसका मन भी हुआ कि रोटी वह खाए। तो उसने सोचा कि लड़कर तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने और ही तरीका ढूंढा। वह बिल्लियों के पास गया और उसने गिन्नी और पाए से बोला कि तुम आपस में झगड़ क्यों रही हो। तो बिल्लियों ने उस बंदर को सारी बात बताई और रोटी भी दिखाई। तो बंदर बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इस रोटी को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ देता हूँ और आप दोनों खा लो। ये कहते कहते उसने रोटी को दो टुकड़ों में बांट दिया, पर उसने जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा और एक टुकड़ा छोटा रखा। तो बिल्लियों ने बोला, ये तो दोनों टुकड़े बराबर नहीं है। गिन्नी ने कहा, बड़ी वाली रोटी मैं खाऊंगी। और पाए ने कहा, नहीं नहीं मैं खाऊंगी। तो फिर बंदर ने बोला, कोई बात नहीं, मैं इनको बराबर कर देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़े को पकड़ा और बराबर करने के लिए तोड़ दिया और उसमें से टूटे टुकड़े को खा लिया। अब बंदर के टुकड़ा खाने के बाद उनके पास जो दो टुकड़े बचे थे वह फिर बराबर नहीं थे। बिल्लियां सोच में डूबी थी कि ये क्या कर रहा है। बंदर ने फिर वैसा ही किया, बड़े टुकड़े में से कुछ हिस्सा तोड़ दिया और टूटा हिस्सा खा लिया। अब की फिर उसने चालाकी से एक टुकड़ा दूसरे से छोटा रखा। फिर से बिल्लियों ने बोला कि ये तो बराबर नहीं है। तो उसने कहा, मैं इसको बराबर कर देता हूं, और फिर से बड़े टुकड़े की तरफ से तोड़कर खा गया। अब बिल्लियां समझ गई थी कि वह बंदर उनका बेवकूफ बना रहा है। तो उसने बोला, कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही छोड़ दो। तो बंदर बोला कि नहीं नहीं मैं किसी भी तरह दोनों टुकड़े बराबर करूंगा। फिर कहते कहते एक रोटी का पूरा टुकड़ा खा गया। अब तो बिल्लियां भी गुस्से में आ गईं। तो वह बंदर भी लड़ाई करते करते सारी रोटी खा गया। पर अब बिल्लियां क्या कर सकती थी, रोटी तो मिली थी जो बंदर खा गया। उनको समझ आ गई थी कि अगर आपस में मिलकर इस समस्या का हल निकाला होता तो दोनों ही कुछ रोटी तो जरूर खा पाती। तो आपस की लड़ाई में बंदर यानी कि तीसरा फायदा उठा गया। बच्चों, आपस में मिलजुल कर हर समस्या का हल करना चाहिए, नहीं तो बंदर की तरह कोई तीसरा ही उसका फायदा उठा जाता है। क्या समझे, कैसी लगी कहानी?